हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी सर्कल 2.0 में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट थ्री। इसका नाम है सीमेंट। और जो हमारे यूनिट टू में कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी, जैसे कि टाइल्स और डिफरेंस था, उसे हम बाद में देखेंगे। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं, और आपके पेपर जो कि बहुत नज़दीक हैं, इसीलिए हम यूनिट थ्री पढ़ाना चालू कर रहे हैं आपको। पहला टॉपिक इसमें हमारा सीमेंट। आखिरकार सीमेंट होता क्या है, इसको बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं हम। सीमेंट होता है हमारा बंधक पदार्थ, बाइंडिंग मटेरियल, जो कि कंक्रीट के अन्य कणों को बांधे रखता है। अन्य कण क्या हो गया, हमारे मिलावा होता है हमारा। मिलावे के अंतर्गत आती है हमारी वालू, गिट्टी होती है और रोड़ी वगैरह होती हैं, ये सब हमारे मिलावे के अंतर्गत में आते हैं। तो देखते हैं हम बंधक पदार्थ, ये मिलकर बना होता हमारा कैल्केरियस मटेरियल और एल्गेरियस मटेरियल से, अर्थात चूनामय पदार्थ और मृतकामय पदार्थ। दो टाइप के पदार्थों से मिलकर बना होता है मुख्यतः। इसकी मात्रा कम से कम इसमें हम देखें 60 से 65% तक, और ये 20 से 25% तक होती है। तो वापस आते हैं हम बंधक पदार्थ पर। तो क्या ज़रूरत है कि हम मिलावा मिलाते हैं और बंधक पदार्थ अकेले यूज नहीं करते हैं? तो इसका मुख्य कारण है हमारा, हम जानते हैं जो हमारा सीमेंट होता है, पोर्टलैंड सीमेंट होता है, वो मार्केट में 300 से 400 रुपये पर 50 kg मिलता है एक थैली, तो जो कि बहुत महंगा होता है हमारे लिए, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, दो रीजन है इसके, मुख्य दो रीजन है। पहला, जो हमारा मसाला बनाते हैं, जो कंक्रीट मसाला बनाते हैं, उसकी आयतन, उसका आयतन वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, और स्ट्रेंथ, ज़्यादा से ज़्यादा सामर्थ्य प्राप्ति के लिए हम उसमें मिलावा आदि अलग से कण मिलाते हैं उसमें सीमेंट के साथ में। तो सीमेंट की हम एक परिभाषा निश्चित करें तो क्या है, आसानी से उपलब्ध। सीमेंट हमारा एक बंधक पदार्थ होता है जो कि बाजार में आसानी से उपलब्ध होता है। ये चूनामय पदार्थों और मृतकामय पदार्थों से मिलकर बना होता है। अब हमने यहाँ बात की चूनामय पदार्थ, तो आपने अगर सुना होगा कि मसाला तीन प्रकार के होते हैं, एक सीमेंट मसाला, दूसरा होता है हमारा चूना मसाला, और एक होता है गारा मसाला। तो सीमेंट जो मसाला होता है हमारा, उसमें सीमेंट, वालू, गिट्टी आदि मिलाकर बनाया जाता है जो बनाते हैं। चूना मसाला होता है, उसमें चूना, ईंट की रोड़ी आदि मिलाकर बनाया जाता है। और गारा मसाला बनाया जाता है मिट्टी और उसके साथ में कुछ रेत वगैरह मिलाकर गारा मसाला हम बनाते हैं। तो तीनों बाइंडिंग मटेरियल हैं हमारे, जिसमें हम सीमेंट मुक्ता पढ़ रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि सीमेंट में भी तो चूना मिला रहता है, तो देखिए जो सीमेंट हमारा प्राप्त होता है, अगर हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, सीमेंट जमने लगता है। जबकि जो चूना होता है हमारा CaO, अगर CaO में पानी मिलाते हैं हम, तो क्या होता है, CaOH की होल्टाइज में बदल जाता है, अर्थात जो हमारा चूना होता है वो बुझने लगता है। तो क्या होता है, जो CaO होता है, इसमें वाटर मिलाते हैं तो CaOH की होल्टाइज बनती है, जबकि सीमेंट में वाटर मिलाते हैं तो जमता है, और जमने के बाद क्या करता है वो, SiO2 का निर्माण करता है। और ये एक इंग्रेडिएंट हो गया। अब दूसरा, इसमें थ्री लगाएं, इसमें 3 CaO SiO2 और 2 CaO SiO2 और 3 CaO Al2O3। तो ये हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। और एक और तत्व होता है हमारा CaO Al2
O3, Fe2, O3, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट, तो ये सब बनते हैं हमारे सीमेंट के साथ जब जल मिलाया जाता है, तो ये सब हमें प्राप्त होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सीमेंट होता है वो मिलकर बना होता है चूनामय पदार्थों से और मृदकमय पदार्थों से। तो नेक्स्ट है देखें हमारी रॉ मटेरियल्स ऑफ सीमेंट, अर्थात कच्चे पदार्थ, किन से मिलकर सीमेंट बना हुआ है हमारा। तो पहला हो गया हमारा चूनामय पदार्थ, और दूसरा हो गया हमारा मृदकमय पदार्थ, एल्गेरियस मटेरियल्स। तो चूनामय पदार्थ वो हैं जिनमें की चूना की मात्रा बहुत अधिक होती है, और मृदकमय पदार्थ वो हैं जिनमें मिट्टी की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो चूनामय पदार्थों में हम देखें तो हमारा मुख्यतः चूना पत्थर हो गया, चाक हो गई जो समुद्र से हमें प्राप्त होती है, नदियों वगैरह से, वो सीप हो गई, और जो बरसात के मौसम में देखते हैं तालाबों में, नदियों आदि में घोंघा, ठीक है। एंड मृदकमय पदार्थों में हमारी सिल्का हो गया, और सीमेंट पत्थर या नॉर्मल पत्थर हो गया हमारा, और हमारी मिट्टी हो गई। मिट्टी भी कई प्रकार की होती है, वो अलग बात है, तो ये मिट्टी हो गई। तो इस प्रकार हमने देखा भी रॉ मटेरियल्स ऑफ सीमेंट। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सीमेंट के घटक, इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट किन किन पदार्थों से मिलकर बनता है, तो इनके लिए बेसिकली एक फॉर्मूला बनाया गया है, CSA FM SA G। ये फॉर्मूला बनाया है CSA FM SA G। तो एक एक करके देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स का फर्स्ट लेटर है, तो सी से हमारा यहाँ पर है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसकी मात्रा हमारे सीमेंट में 60-65% होती है। हमने अभी ऊपर बताया था आपको 60-65%। तो इसका सीमेंट में मिलाने का या सीमेंट बनाने में इंग्रेडिएंट के रूप में इसका मुख्य कार्य क्या है, तो जो हमने कहा था बंधक पदार्थ है, तो ये सबसे प्रथम बंधक का कार्य करता है। क्या कहता है, बंधक का कार्य करता है। अगर क्या करें हम इसकी मात्रा कम कर दें, 50% कर दें, 55% कम कर दें, तो क्या होगा, जो हमारी सीमेंट की बंधन क्षमता होगी, अर्थात हम कहें सीमेंट का जो सामर्थ्य होगा वो कम हो जाएगा, और क्या होगा, सीमेंट दोषयुक्त हो जाएगा, और निर्माण कार्य जो होगा आपका वो भी खराब होगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे इसमें एस, जो कि है हमारा सिल्का, इसे हम रेत भी कह देते हैं, लेकिन ये एक्चुअली रेत नहीं है, सिल्का। इसकी मात्रा होती है हमारी 20-25%। तो क्या करता है, जब हम सीमेंट बनाने के लिए इसे मिलाते हैं, तो ये सीमेंट को जल मिलाने के बाद, जो सीमेंट होता है उसमें हम जल मिलाते हैं, तो जल मिलाने के बाद सीमेंट को जल से जल कठोर करने में सहायता करता है, और अम्ल प्रभाव जो होता है, तरीके हम देखते हैं कि अम्ल वर्षा होती है उस क्षेत्र में, सिलिका की थोड़ी अधिक मात्रा मिलाने से अम्ल प्रभाव से भी बचा जा सकता है, और जिससे कि अम्ल प्रभाव हुआ, जिससे कि क्या होता है कि जो हमारा सीमेंट से बनी हुई संरचना होती है वो टिकाऊ संरचना में प्राप्त होती है। तो देखिए, एक छोटी सी अनुपात में अंतर करने से हमें कितना लाभ होता है। तो हम पढ़ रहे थे अपना ए से एल्यूमिनियम ऑक्साइड,
Al2O3। जैसा कि आपने एल्यूमिना का नाम सुना ही होगा, मृदा होती है हमारी, वो मिलाई जाती है 4 से 8% तक। तो इसकी मात्रा अधिक मिलाने पर क्या होगा, यदि हम अधिक मिलाते हैं, इसकी मात्रा अधिक मिलाते हैं तो जो सीमेंट की सामर्थ्य होगी वो कम हो जाएगी, हमें कम सामर्थ्य की प्राप्ति होगी, इसीलिए इसकी एक निश्चित मात्रा से अधिक नहीं मिलाया जाता है। अब देखते हैं, और नेक्स्ट है हमारा इसमें एफ से Fe2O3 फेरस ऑक्साइड। तो इसकी मात्रा होती है 2 से 4% तक, और ये सीमेंट को कठोर होने में, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ क्या, कठोर होने में सहायता करता है, सीमेंट को कठोर होने में सहायता करता है, और उसकी जगह देखिए आप ये वाला जमने में सहायता करता है, क्या जमने में सहायता करता है, जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड था वो जमने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, एम से MgO, ये था हमारा, क्या था हमारा रूल, CSAFMSAG, तो सी हो गया एस, हो गया ए, हो गया एफ, हो गया बच्चा हमारा MSAG, तो एम से हमारा यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, एम से हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या होता है, जब सीमेंट के साथ जल मिलाया जाता है तो जलायोजन क्रिया होती है, जलायोजन जिसे हम हाइड्रेशन बोलते हैं, हाइड्रेशन प्रोसेस होती है, तो हाइड्रेशन प्रोसेस को बढ़ाने में ये मदद करता है। एंड नेक्स्ट हमारे इसमें SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो क्या होता है, सीमेंट को निर्दोष सिद्ध करता है। क्या होता है, जब हम MgO और CaO होता है, इनमें हम वाटर ऐड करते हैं तो ये दोनों फूलने लगते हैं, जिससे कि उसके आयतन में वृद्धि होने लगती है। तो उसी कहते हैं निर्दोष सिद्ध करना, अर्थात उसके आयतन को नियंत्रण में रखना। तो ये आयतन नियंत्रित करने में मदद करता है, साइंटिफिकली और अपनी इंजीनियरिंग भाषा हम कहते हैं निर्दोष सिद्ध करना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारा ए से एल्कलाइज मीन्स क्षारीय पदार्थ, इनकी मात्रा 1% मिलाई जाती है। एंड नेक्स्ट हमारा जिप्सम, जी से जिप्सम। तो क्या होता है, सीमेंट के प्रारंभिक, आगे बताने वाला हूँ आपको, प्रारंभिक जमाव काल को बढ़ाने का कार्य करता है, तो चलिए आपको अब इसे एक सारणीबद्ध रूप में लिखते हैं, थोड़ा सा CSAFMSAG साइड में लिख देंगे, ए और जी। तो सी से था हमारा CaO, सी से था हमारा CaO कैल्शियम ऑक्साइड, एस से था हमारा SiO2 सिल्का, एंड ए से हमारा था एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एफ से था हमारा Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, एम से था हमारा MgO, एंड एस से था हमारा सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3, एंड ए से एल्कलाइज, वन जी से जिप्सम। तो CaO की मात्रा थी हमारी 60 से 65%, जो कि हमारा एक प्रकार से कहें तो बंधक पदार्थ ही था, प्रमुख पदार्थ जो कि जिसकी मात्रा सबसे अधिक है। एंड SiO2 सिल्का सीमेंट को जल्दी कठोर होने में मदद करता था हमारा, और इसकी मात्रा 20 से 25% दी गई थी। तो ये क्या करता है, कठोर होने में मदद करता है।
एंड Al2O3 की हम बात करें तो ये सीमेंट को जल्दी जमने में सहायता प्रदान करता था, जमने में सहायता प्रदान करता था। और इसकी मात्रा हमने 4 से 8% दी थी इसमें। एंड नेक्स्ट था हमारा Fe2O3, तो क्या बताया था इसमें हमने, ये भी कठोर होने में सहायता करता है, सीमेंट को कठोर होने में सहायता करता है और इसकी मात्रा 2 से 4% तक होती है। एंड MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जो क्या करता था, हाइड्रेशन में मदद करता था, हाइड्रेशन जलायोजन क्रिया को बढ़ावा देता था और इसकी मात्रा 3 से 5%, शायद वहाँ नहीं बताई थी, 3 से 5% होती है। एंड SiO2 की मात्रा 1 से 2%, और ये क्या करता है, आयतन को नियंत्रित रखता है अर्थात निर्दोष सिद्ध करता है सीमेंट को। एंड आगे हमारा एल्कलाइस क्षारीय पदार्थ, इसकी मात्रा 1% होती है और सीमेंट में ये साधारणतः ऐसे ही मिलाया जाता है। एंड जिप्सम जो कि इसके प्रारंभिक जमाव काल को बढ़ावा देता है, जमाव काल बढ़ाता है और इसकी मात्रा 3 से 5% तक होती है। तो हमने इसके संगठन को देखा, इंग्रेडिएंट्स के बारे में देखा और किन चीज़ों से मिलकर बनता है ये देखा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें जलायोजन, इसका जमना क्या होता है और कठोर होना क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि यूनिट 3 स्टार्ट हो चुका है, बहुत जल्द हम आपका ये कोर्स ख़त्म करेंगे, काफ़ी कमेंट आ रहे थे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।